हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में बेल बटन भी होगा उसको भी हिट कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ टुडेज़ वीडियो मैं बात करने वाली हूँ हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में। ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी सीरीज़ का पार्ट है, दैट इज़ इट वर्थ इट, जिसमें मैं 500 से ऊपर की चीज़ों का रिव्यू करती हूँ। और जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसका MRP 750 है। वो ऑनलाइन आपको थोड़ा सा कुछ 15-20% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, बट अदरवाइज हम बस ये देखने वाले हैं कि क्या वो वर्थ इट है। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो तो मैं बात कर रही हूँ लोटस बोटैनिकल्स रेड अनियन हेयर वाइटलाइजर। नाउ जिन लोगों ने मेरा चैनल थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा उनको पता होगा कि मैंने रिसेंटली लोटस बोटैनिकल्स के रेड अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू किया था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। बट ये दिस वन इज़ अ बिट अपोजिट ऑफ दैट, मतलब मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। नाउ दिस इज़ इट्स आउट ऑफ पैकेजिंग, कैन सी हेयर कि हेयर ऑयल की पैकेजिंग से कितना मिलता जुलता है ये। बट या दिस इज़ द पैकेजिंग एंड एवरी थिंग इज़ लाइक द सेम थिंग, रेड अनियन हेयर रिवाइटलाइजर प्रिवेंट्स हेयर फॉल एंड स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ। नाउ मैं इसके बाकी सारी चीज़ों पर नहीं जा रही हूँ, सब लिखा रहता है कि ये सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, सिंथेटिक कलर फ्री है एंड वॉट नॉट, एवरी थिंग इज़ देयर। एंड दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट, 100 ml ऑफ बॉटल, 100 ml की बॉटल है ये। और ये आगे आपको पंप का कैप है, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये पूरी तरह खाली है, इस टाइम मैंने इसको पूरी तरीके से खाली किया हुआ है। नाउ इसका यूजेज और ये जब मैंने यूज़ किया था ये कैसा रहा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने उसके शॉर्ट्स बनाए थे अपने ब्लॉग्स चैनल पे। अनदर थिंग इज़ जो हेयर रिवाइटलाइजर्स और हेयर वाइटलाइजर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके हेयर स्केल को स्टिमुलेट करने के लिए। मीन्स वहाँ के जो फॉलिकल्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं या जिनके स्केल्प में बॉल्डनेस आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर आपके स्केल्प को स्टिमुलेट करें। जैसे कि देख सकते हो मेरे भी स्केल्प में अभी है दिक्कत, मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी, मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर एंड देन सब कुछ रीग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। मैंने बहुत सारे वाइटलाइजर्स, हेयर ऑयल्स एंड एवरीथिंग ट्राई किया और उसके बाद मुझे पता है कि अब क्या यूज़ करना है। नाउ द थिंग इज़ कि ये इतना एक्सपेंसिव है और ये जस्ट 100 ml की बॉटल है, लाइक द प्राइजिंग इज़ 795, इसका जो प्राइजिंग है वो 795 है। एंड इस 800 की बॉटल में कुछ भी नहीं होता है वैसा जैसा होना चाहिए। जो हेयर ऑयल है, जो रेड अनियन हेयर ऑयल है इन्हीं का ही, वो 695 समथिंग का, एंड वो मुझे बहुत पसंद आया। एटलीस्ट वो आपके हेयर्स को अच्छे से क्लीन करता है, आपको जल्दी से ग्रीजी नहीं होने देता। जिनको ऑयली स्कैल्प का इशू है वो डेफिनेटली उसको ट्राई करना, लेकिन दिस वाज डूइंग नथिंग। मैंने इसको इतनी जल्दी ख़त्म किया, लाइक ये 2 या 3 यूजेस पे ही यहाँ आ गया था। आई वॉज़ लाइक वॉट, मैं इसको, मतलब ये 800 रुपये की बॉटल है एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 या 9 यूजेस के लिए मैं 800 रुपये नहीं खर्च करने वाली हूँ, एंड इट इज़ नथिंग, इसने कुछ किया ही नहीं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज़ अ टोटल वेस्ट। इसके जगह अगर आप वाइटलाइजर यूज़ ही करना है ना, तो अदर कंपनीज़ के वाइटलाइजर्स आते हैं और वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। मैंने उस तरह का वाइटलाइजर काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू यूज़ किया था और मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। मैं उसका भी लिंक जो है वाइटलाइजर का रिव्यू एंड जो उसके शॉर्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। बट डेफिनेटली ये तो नया है, लाइक इतना छोटा रिव्यू मैंने किसी भी प्रोडक्ट का नहीं किया होगा अपनी सीरीज़ में, बट दिस वॉज द टोटल बेस्ट, क्योंकि ये मेरे पास ब्रांड से भी नहीं आया था, ये कोई बार्टर डील भी नहीं थी, ये मेरी खुद की परचेज थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो या आई फाइंड कि ऐसी वीडियो से आपको हेल्प हो सकती है, इसको तो बिल्कुल भी पिक मत करना, इट डू नथिंग। और इसका जो MRP आई फील कि वो विदाउट रीज़न, बिकॉज जो पैकेजिंग है प्रॉपरली यू कैन सी इट्स अ प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है, ये ग्लास बॉटल भी नहीं है, नॉर्मल यू नो व्हाट इज दिस। सो Here you see, and that is why मैं इसके जो description है packaging पे और बाकी सब पे नहीं जा रही हूँ, because if the product is not working then everything goes in vain, उसका कोई मतलब ही नहीं है। So yeah, I feel आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी, लगी है तो इस वीडियो को like कर देना, मेरे चैनल को subscribe कर देना। आपको इसके बारे में कुछ भी जानना पूछना है तो आप मुझसे comment box में connect कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका reply दूँगी। साथ ही मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे, अगर आप मुझे चेकआउट करना चाहते हो तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। सो या हियर वी वाइंड अप द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।
बाय। अगर आपको रेड अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। अगर आपको आदिवासी हेयर ऑयल का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो।